दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, जल्दी T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत होने वाली है, जिसके लिए BCCI ने भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। और इसी के साथ साथ उन्होंने ये ऐलान भी किया कि भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और महान खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी भारतीय टीम के साथ बतौर मेंटोर जुड़ेंगे। BCCI के इस फैसले को देखकर भारत के हेड कोच रवि शास्त्री ने एक ऐसा बयान दिया है जिसको सुनने के बाद तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बताते हैं आपको रवि शास्त्री के इस बयान के बारे में। लेकिन उससे पहले, आप सभी को क्या लगता है, महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली में से कौन बेहतरीन कप्तान है? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, अक्टूबर की T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत होने वाली है, जिसके लिए भारत के क्रिकेट बोर्ड BCCI ने भारतीय टीम की स्क्वाड की घोषणा कर दी है। भारत की टीम देखकर सभी भारतीय प्रशंसक काफी ज्यादा खुश हैं। लेकिन सबसे ज्यादा खुशी करने वाली बात तो ये है कि भारत के पूर्व कप्तान और महान खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी बतौर मेंटोर T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम से जुड़ेंगे। इस खबर को सुनने के बाद तो पूरे भारत देश में खुशियों की लहर से आ गई है। लेकिन इस बीच भारत के मौजूदा हेड कोच रवि शास्त्री ने अपने बयान में कुछ ऐसा कह दिया जिसके बाद तो क्रिकेट जगत में तहलका मच गया। दोस्तों, बता दें, रवि शास्त्री ने अपने बयान में कहा कि ये T20 वर्ल्ड कप भारतीय टीम के लिए काफी ज्यादा अहम है, क्योंकि भारतीय टीम ने एक लंबे समय से कोई भी ICC ट्रॉफी नहीं जीती है। बेशक ही भारतीय टीम ने हर एक टूर्नामेंट में जबरदस्त प्रदर्शन करके दिखाया हो, लेकिन हर बार हमें किसी न किसी मोड़ पर आकर निराशा की सामना करना पड़ता है। इसलिए अब भारतीय टीम पूरी तरीके से तैयार है इस T20 वर्ल्ड कप को जीतने के लिए। BCCI ने जो भी टीम चुनी है, उसे देखकर तो ऐसा महसूस होता है कि टीम में ये क्षमता है T20 वर्ल्ड कप जीतने की। और इसी के साथ साथ BCCI ने एक और बहुत बड़ा फैसला लिया है, और वो है भारत के महान खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी को बतौर मेंटोर चुन के। इसके साथ तो भारतीय टीम और भी ज्यादा बेहतर हो गई है। भारतीय टीम इससे बेहतर चीज की मांग नहीं कर सकती थी। BCCI ने ये फैसला कुछ सोच समझ कर लिया है, क्योंकि उन्हें पूरा भरोसा है कि महेंद्र सिंह धोनी की मौजूदगी भारतीय टीम के ड्रेसिंग रूम का माहौल काफी ज्यादा शानदार होगा, क्योंकि हर खिलाड़ी या तो महेंद्र सिंह धोनी के साथ खेल चुका है या फिर उनकी कप्तानी में हर एक खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी को अपने बड़े भाई और गुरु की तरह मानता है। तो इसीलिए खिलाड़ियों के लिए ये भी काफी ज्यादा शानदार फैसला है। और महेंद्र सिंह धोनी के अनुभव का इस्तेमाल करके हम सभी को इस T20 वर्ल्ड कप को जीतने के लिए एडी चोटी का जोर लगा देंगे और इस T20 वर्ल्ड कप को जीत कर ही रहेंगे। लेकिन दोस्तों, रवि शास्त्री के इस बयान को सुनने के बाद आप सभी को क्या लगता है, अगर भारतीय टीम ये T20 वर्ल्ड कप जीतती है तो रवि शास्त्री के बाद महेंद्र सिंह धोनी को भारतीय टीम का कोच बना देना चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।